कुछ देर पहले मैं जमान पार्क से निकला और अभी मैं ओकाड़ा शहर पहुंचा हूं। तो अभी सर अभी ट्रैवल कर रहा हूं। तो अभी अभी जो मुझे खबर मिली कि हमारे कारकुन जो बड़े प्यारे थे और रात को हमारे कैंप में भी वो आए थे, अली बिलाल और फजील शाह साहब, वो इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला पहले तो उस मरहूम को जो फिरदौस में आला मकाम था, मैं उनकी फैमिली को सब्र दे। लेकिन मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस दलाल हुकूमत, इस बेगैरत हुकूमत और हाफिज साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपकी दलाल पुलिस है, कब तक हमारे कारकुनों को जो है वो मारती रहेगी, कब तक हमारे कारकुनों को शहीद करती रहेगी? आखिर हमारा क्या कसूर है? हम एक इलेक्शन की पुरअमन रैली निकालते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो कारकुनान होते हैं, हमारे लोगों पर तशद्दुद किया जाता है। आज फिर 5 मई वाला वाक्य दोहराया गया। हम तो इलेक्शन की तारीख चाहते हैं, इलेक्शन की तारीख मिल गई, कप्तान ने जो है वो ऐलान किया कि जी आज हम इलेक्शन का इंतखाबी मुहिम का जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं, आज पहली रैली थी। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत बुखला क्यों गई है? इतनी बुखलाहट का शिकार क्यों है? जब आप मुकाबला नहीं करते तो मैदान में क्यों? लेकिन मैं पाक आर्मी के जनरल आसिफ मुनीर साहब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, कब हमें इंसाफ मिलेगा? कब हमारे वर्कर इस तरह शहीद होते रहेंगे? कब तक हमारी माओ बहनों के कपड़े जो है वो दरिंदों की तरह नोच? आज पाए आप पुलिस में कोई कश्मीर नहीं था, आज कश्मीर बना हुआ था लाहौर, और लाहौर में जो मजालिम हुए वो एक तारीख का हिस्सा बन गए। शर्म आनी चाहिए इस बोर्ड लोगों को।